अस्सलामु अलैकुम। एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर है आपकी होस्ट आज़मा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम ये पूछेंगे कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा गेम्स किसे ज़्यादा पसंद होती हैं और कौन कौन सी किस्म की गेम्स खेलते हैं लड़के और लड़कियाँ। इसके अलावा कुछ एल्डर्स जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे कि वो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने गेम्स खेली हों फ़ोन पर, क्योंकि आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड है कि जो हमारे बड़े हैं वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन में गेम्स भी खेलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कैंडी क्रश टाइप की गेम्स, तो ये पूछेंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा क्या कर रही हैं आप यहाँ? शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग कर रहे थे। तो सिद्रा आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है? वैसे पसंद तो नहीं है मुझे गेम्स, लेकिन फ्री टाइम में लूडो खेलती हूँ। अच्छा, यानी कि आप फ्री टाइम में लूडो खेलती हैं। लूडो भी तो एक गेम है, यानी कि लूडो खेलना पसंद करती हैं। तो हारती हैं कि कभी जीती भी हैं? नहीं जीती हूँ, लेकिन हार जो तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है तो फिर वो किस पे निकलता है? नहीं निकलता तो नहीं, बस जैसे बच्चे जिद करते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही जिद करती हूँ कि मेरी गोटी क्यों मारी है, मैं क्यों हारी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप मुझे ये बताओ सिद्रा कि आप में कोई टैलेंट है? पता नहीं, ये तो देखने वाले को पता। चलें फिर आपसे गाना सुन लेते हैं, फिर पता लगेगा ना कि आप कैसे सुनाती हैं। गाना मुझे नहीं आता। नहीं आता तो फिर कोई शेर अर्ज करें। आई डोंट लाइक पोइट्री। बताए ना कि आपके क्या टैलेंट्स हैं। कोई कोई जॉक सुना दें। जॉक? अच्छी बात, आपको नहीं कोई जॉक नहीं याद मुझे। नहीं याद आपको। आप मुझे ये बताएं कि मछलियों में सबसे लंबी उम्र किस मछली की होती है? व्हेल की। बिल्कुल ठीक आंसर किया। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ पर होती हैं? सोचें सोचें, कोई तुक्का ही सही। मैदानी इलाकों में ही ज़्यादा होती हैं। अच्छा तो बताएं कौन से? वैसे तो अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में बहुत होती है बारिश। अच्छा, देख लिया। और मैदानी इलाकों में तो पंजाब में किसी भी इलाके में हो जाती है। आई डोंट नो, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप मुझे बताएं आप में टैलेंट्स क्या? मेरे में बहुत सारे टैलेंट हैं। आप तो ब्यूटी टिप शेयर करें। ब्यूटी टिप? ओके, आजकल लोगों को बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, डार्क सर्कल्स पड़े होते हैं, तो उसके लिए एक बहुत आसान और बहुत सस्ता सा टोटका है, वैसलीन पेट्रोलियम जेल जो होती है वो लेके उसके अंदर लेमन मिक्स करें और उसको आप रात को सोने से पहले लगाएं। विद इन अ वीक आपको फ़र्क पड़ेगा। लेमन जूस आँखों में नहीं जाएगा? आपने बाहर लगाना है, अंदर तो नहीं लगाना है ना। आप उसको केयरफुली लगाएं, बिल्कुल भी नहीं जाता। आपको फ़र्क पड़ा? हाँ जी, बीज छोड़ दिया था लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी। तमाम लोग जो देख रहे हैं इन्होंने डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताई है कि आपको अगर डार्क सर्कल्स है तो आप वैसलिन में आप लेमन जूस को मिक्स करके अपनी आंखों पर लगा सकते हैं। ज़बरदस्त जी। अब आप मुझे बताएं कि कुछ टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, कुछ अल्फाज बोलूँगी आप उन्होंने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल। 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 हो गया पर्पल पेपर पीपल। 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 अरे बाजी जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया इमरान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। आपका नाम? मिना हिलफा। इमरान फाकू। अली हसन। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि लड़के और लड़कियों की पसंदीदा गेम्स कौन सी होती हैं, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो लड़कों की जो गेम होती है पसंदीदा वो क्रिकेट होती है। आजकल तो वैसे लड़कों को गेम्स खेलने का मोबाइल पे बहुत शौक होता है। ऐसा ही पबजी का, खासतौर पर पबजी खेलने का। मुझे लगता है कि पबजी लोगों के लड़कों की सबसे फेवरेट गेम है आजकल, ऐसे ही लग रहा है आजकल। ऐसे आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल ही ऐसे ही है। और लड़कियों की? लड़कियों की तो मेरे ख्याल में मिल बैठ के गपशप करने का, मोबाइल यूज़ करने का, टिकटॉक बनाने का। अच्छा। आजकल तो लड़कियों की जो है वो ये फेवरेट हो रही है। ये तो एप्लीकेशंस हो गई ना कि, लेकिन लड़कियां गेम्स नहीं खेलती आपको नहीं लगता? मेरे ख्याल में मोबाइल की वजह से गेम्स आप कौन खेलता है? जितने ये मोबाइल लड़कियां यूज़ कर रही हैं, कौन यूज़ कर रहा है, तो फिर गेम्स कहाँ रहती हैं? मोबाइल पर जो गेम्स खेलती हैं
गेम्स के अलावा अगर खेल को देखा जाए तो पहले ज़माने में जब लड़कियां मिल बैठती थी तो बहुत खेलते थी, लाइक डिफरेंट गेम्स होती थी। बचपन में आपके कौन कौन सी खेल खेलती थी बचपन में? बस हाँ जी, डॉल के साथ खेलना, वो तो बचपन में ही होता है ना। आप बताओ आपको कौन से खेल ज़्यादा पसंद है? गुड़िया वाला। गुड़िया वाला कैसे खेलते हो? गुड़िया वाला खेल उसको कपड़े बनाते हैं। कपड़े पकनाते हैं? तो बनाते कैसे कपड़े? मुझे नहीं आता। नहीं आता? मुझे याद पड़ता है कि बचपन में मैं अपने गुड़िया के कपड़े खुद भी बनाती थी। देखिए मैं कितनी टैलेंटेड थी। और पूरा जहेज का सामान पड़ा, एक डॉल, उनका आपस में उनकी शादियां करवाते हैं, खेलते हैं सारे कजन्स वगैरह आपस में जो है ना, सारे मिलके छत पे सब, इनका दिन में पूरा वो जहेज लगा होता है छुट्टियों। सेम ऐसे ही होता है, बचपन में यही खेल है जो खेले जाते हैं। बहुत से जो बच्चे हैं आजकल फ़ोन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया, जिस वजह से ऐसे खेल ज़रा कम हुए हैं। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ पर होती हैं? इस्लामाबाद में। वैसे तो आजकल पंजाब में ही हो रही है बारिशें ज़्यादा। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मरी में या नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा। बिल्कुल ठीक आंसर किया, मरी इज़ द राइट आंसर। क्लैपिंग करो अपने पापा के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं, आप क्या शेयर करोगे? पोएम सुनाओगे? कोई गाना सुना दो। गाना मुझे नहीं आता। आता भाई कह रहा है कि इसे आते हैं गाने, बहुत आते हैं। नहीं आते। चलो फिर जो सुनाना है। मुझे जस्ट पोइम आती है। चलो जस्ट पोइम आती है तो पोइम सुना दो। टिंकल टिंकल लिटल स्टार, हाउ आवर वंडर्स बट्टी वार, आपका वादा वर्तो है लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अरे जबरदस्त। आप से एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, इसको 5 दफा बोलो। पर्पल पेपर paper paper people, purple 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 paper people, 6 times हो गया। आपको रेसिपी शेयर करेंगी? कौन सी, इजी वाली शेयर कर दूँ? नहीं मुश्किल वाली, इजी वाली कर दे। बिरयानी वाली बता दूँ? बिरयानी के बताए। लंबी। उनको बहुत जल्दी है, वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी चौड़ी, तो लंबी है तो क्या, आप शेयर करें, हो सकता है बहुत यमी बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी में तो सबसे पहले हम प्याज़ फ्राई करेंगे। हाँ जी, प्याज फ्राई करने के बाद उसमें हम पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, और फिर जैसे ही बॉयल आता है तो उसमें हम राइस डाल देंगे, तो मतलब उसको बना लेंगे। अच्छा, उसको दम पे रख देंगे और उसके बाद जो है अलग से चिकन का मसाला बनाएंगे। जल्दी वाली बता रही हो ना, मसाला बनाएंगे और उसमें चिकन डालेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे और उसमें जितना चिकन होगा उसके मुताबिक पानी डालेंगे, उसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तो उसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर राइस की एक लेयर लगानी है, दूसरे बर्तन में एक राइस की लेयर लगानी है और एक लेयर जो है इस चिकन की लगानी है, तो इसी तरह 2-3 लेयर लग जाएंगी। तो उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा किसी कप में दूध लेके उसके अंदर येलो जो कलर, हाँ जी, वो आपने डालना है। डालने के बाद वो उसके दम किए हुए राइस में आपने डाल देना है और उसके बाद दम दे देना है। अरे ज़बरदस्त। आप क्या शेयर करेंगे, कोई अच्छी बात? चलिए गाना डेडिकेट कर दें अपनी वाइफ को। ऐसे नहीं करते ना, खाना सबके सामने ही डेडिकेट करते। सामने नहीं करते, अकेले में आप डेडिकेट करते हैं? अकेले में करता सब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फदाइल फार। आपका नाम? ज़हरा रियाज। अच्छा आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ हरूफ़ तहज्जी का पता है आपको? जी। कितने होते हैं वो? 8 9 8 ही शायद।
आपकी कोशिश की गिनने की कि कितने होते हैं, कभी सोचा? 28, 27, 37. अरे बिल्कुल ठीक, किए कैसे एकदम से आ गया 37? बस सोच लिया तो आ गया। अच्छा ठीक है, आपसे मैं एक और सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें किस जगह पर होती हैं? मुझे तो इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं सऊदी से आई हूँ, तो आई डोंट नो। सऊदी से आए तो पाकिस्तान में आई हैं ना, तो पता होना चाहिए। आप पाकिस्तान में रहती हैं? ठीक है, आप तो सऊदी से नहीं आई, आप बताएं। अमरीका। मैंने कहा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश है कहाँ पर? लाहौर। मरी। ये अमेरिका कहाँ से आया था? बस एवी आ गया। चलो टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आप दोनों से, ठीक है? आंसर्स तो इन दोनों ने बिल्कुल ठीक दिए हैं, बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स हैं। आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। पर्पल पेपर पीपल, इसको 5 दफ़ा बोलो स्पीड में। क्या चीज़? पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। आप मुझे बताओ कि कौन सी गेम्स ज़्यादा खेलते हो? लड़कियाँ आपको क्या लगता है कौन सी गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते? लूडो मे बी। बस इसके अलावा आप कौन सी खेलते हो? लूडो। लूडो ही खेलते हो? हारते हो क्या? जीतते हो? जीतते हैं। जीते हो? अरे ज़बरदस्त, कैसे जीत जाते हो? कोई ट्रिक शेयर करें? बस दिमाग आता है। आप दोनों में से किसी को शेर व शायरी से लगाओ? कोई ब्यूटी टिप शेयर करो। बताओ कोई ब्यूटी टिप। मुझे नहीं पता, नहीं पता। खाना बनाया तो उन्होंने में से कभी किसी ने? नहीं, नहीं अभी तक नहीं बनाया। नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो सब कुछ वो ही कर देती है, इसलिए अभी मेरे। डांटती नहीं है कि क्यों भाई मुझे कहते रहते हो, कभी खुद भी बना लिया करो? डांटती है लेकिन मामा मना ही करती हैं ज़्यादातर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गोल्डन बनास्पति की तरफ से गिफ्ट आप दोनों के। अलाफिस वीवर्स, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में बारिशें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं, तो आपके लिए मैं जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। खाने में नहीं आ रही इतना नॉलेज इस टाइम, शादी की टेंशन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। की टेंशन की खुशी टेंशन खुशी में कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है शादी? शादी के बाद ये बताने वाली नहीं होती, ये बड़ी लंबी दास्तान। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि लड़के और लड़कियों में कौन सी गेम्स ज़्यादा पसंद की जाती हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आप? मिसेस कामरान मेहदी। इतना समझने की क्यों मतलब ज़रूरत पड़ी सोचने की? पहले मैंने सोचा अपना नाम ही बताऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मिसेस कामरान मेहदी ज़्यादा। कामरान, ऐसा ना आपके हस्बैंड माइंड कर जाएं, ये क्यों नहीं कहा है ना। आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम फिज़ा शाह जी। अच्छा फिज़ा, आप मुझे ये बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में टैलेंट्स ये हैं कि मैं सबको शॉपिंग करवा सकती हूँ। बहुत अच्छी। सबको शॉपिंग करवा सकती हैं, कैसे सीखी आपने शॉपिंग? मैंने बहुत सारी कज़न्स की, सिस्टर्स की, सबकी शादियों की शॉपिंग मैंने कराई है, और अब मेरी अपनी शादी है और मेरे साथ आज ही आई है लास्ट डे पे, कल मेरी मेहंदी है। पहले तो आपको शादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और दूसरा ये कि आपकी कज़न्स ने आपके साथ शॉपिंग क्यों नहीं की? उन्होंने इसलिए नहीं कराई कि कुछ कोरोना वायरस से सब डर रहे थे, और ये माशाल्लाह से इनकी शादी हो चुकी है, ये मेरी सिस्टर्स हैं, तो कुछ कज़न आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए। तो ये रीज़न है ना, अदरवाइज़ वो तो ज़रूर आती हैं आपकी, क्योंकि आपने हेल्प की है तो उनका भी बनता था। मैं लास्ट हूँ इस वजह से, ये रीज़न भी है, बाकी सब मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ है, इसलिए आप सबकी शॉपिंग करवाती रही और अब आपकी दफ़ा कोई है नहीं। आज मैं इनको पकड़ के लेके आई हूँ। बहुत अच्छा किया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ऐसी खाने वाली कौन सी चीज़ है जिसको उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब एक ही आता, खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ उल्टा लिखे? सोचने नहीं आ रहा। सोचे तो सही, खाना खाने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं?
खीरा। खाना खाने वाली, खाने वाली नहीं आ रही, इतना नॉलेज इस टाइम। शादी की टेंशन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। टेंशन की खुशी, टेंशन खुशी में, खुशी में कह सकते हैं। अच्छा शादी आपकी खुशी इसको? हाँ जी, ये मेरी जान छूट रही है इसलिए। शादी हो चुकी है तो जान किसकी छूट? मेरी। अच्छा आपको ब्यूटी टिप शेयर? ब्यूटी टिप कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। शादी से पहले लड़कियां बहुत से देसी टोटके करती हैं, तो आपने कोई यूज़ की? मैंने सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ की। किस तरह से यूज़ किया? उसको अप्लाई किया स्किन पे ओनली, बस। सोते वक्त रात को के दिन में? दिन में सोते ही आपने लगाया? हाँ जी अभी भी लगा हुआ है। अच्छा आपसे आप बताएं कोई रेसिपी शेयर करें आप में से किसी को? गाना नहीं आता। आप भी नहीं गाती गाना? गाना नहीं गाती। रेसिपी फॉर पकाने की रेसिपी, कल मैंने मटर पुलाव बनाया था, उसमें मैंने वलीडा एसेंस ऐड किया और इलायची और थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही थे। तो वही थे सारे इंग्रेडिएंट्स और तरकीब बताएं। उसमें प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट थोड़ा सा उसमें ऐड करके, थोड़ा सा उसको फ्राई करके उसके अंदर मैंने ऐड की माइनर सी शुगर और नमक, और फिर उसके बाद पीस डाल दिए। पीस जब थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो उसमें पानी ऐड करके और जो बॉइल्ड चावल थे ये सॉक चावल वो उसमें ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर उसमें वनीला एसेंस ऐड किया। तो इनसे पूछिए जर्दा रंग डाल के कैसे बनी थी इनके बनाए हुए? रेसिपी थी, फर्स्ट टाइम खाई इनकी शादी। आपको खाना आता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चाइनीज़ भी आता है। और चाइनीज़ रेसिपी? चाइनीज़ मैं मैक्रोनीज बहुत अच्छे बनाती हूँ, और उसके अलावा स्मोकी राइस। स्मोकी राइस की रेसिपी? स्मोकी राइस की रेसिपी ये है कि चिकन को अलग से टमाटर में फ्राई करना है, और उसमें क्या कहते हैं चिली सॉस, सोया कहते हैं चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका ऐड करके, और नमक मिर्च अपना हसबे जायका डालना है, काली मिर्च ऐड करनी है, और उसको कोयले का स्मोक दे देना है। उसके बाद अलग से सब्जियां फ्राई करनी है और चावल बॉयल करने हैं, और फिर उनकी तवे लगा के और उनको रेडी कर देना। स्मोकी राइस तैयार है, सबसे ईजी। ईजी है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपीज इन दोनों ने शेयर की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आप मुझे ये बताएं सर कि आप क्या कर रहे थे? शॉपिंग करने आए। शॉपिंग क्या की है? अभी करने लगे। अभी करने लगे तो इतने सैड क्यों है? बस करने लगे हैं, कीमतें देके सैड हो गए। बीवी को देख के इतनी शॉपिंग को, ये भी लेना तो सैड ना हो, क्या करें। ये भी बात है। तो आपने बीवी के साथ नहीं आना था, उनको पैसे पकड़ा दिए थे? नहीं, तो आप उन्हें अकेले नहीं निकलने देती? अकेले नहीं निकले थे, तो शॉपिंग उन्होंने करनी थी कि आपने करनी? मैंने शॉपर पकड़ने थे। हाँ शॉपिंग उनकी थी, शॉपर आपने पकड़ने थे, वो अकेले नहीं। यही काम होता है शादी के बाद, यही काम होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है शादी? शादी के बाद ये बताने वाली नहीं होती, ये बड़ी लंबी दास्तान। चले इस दास्तान पे कोई शेर अर्ज कर। नहीं इतनी शेरो शायरी पहले आती थी, पहले यानी कि शादी से पहले? शादी से बाद तो अब शायरी आते हैं बस। अच्छा ऐसे होता है कि अगर आपकी वाइफ ने आपका इंटरव्यू सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि यार इतने उदास है मेरे शौहर। नहीं नहीं उदास तो नहीं, उसके साथ ना उदास थोड़ा सा अलग हुए थे तो दिल की बुरा सरकार। आपसे एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ पर होती हैं? बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मुझे तो सियालकोट का पता है, सियालकोट में सबसे ज़्यादा होती है। सियालकोट नहीं है, इतने दिन मैं यहाँ रहा हूँ उतने दिन होती रही है। आप यहाँ रहे सियालकोट में बारिश होती रही है? मैं सियालकोट से ही हूँ। आप सियालकोट से हैं तो जितने दिन मतलब? एक माह हुआ मुझे, एक माह यहाँ आए हो गया है, और जब से आप यहाँ आए सियालकोट में बारिश होती जा रही है, बस वहाँ का आसमान आपकी याद में रो रहा है मेरे साथ। अच्छा आप सिक टंग ट्विस्टर करवाती हैं, कुछ अल्फाज बोलूंगी आपने उन्हें 5 दफ़ा रिपीट करना है। पर्पल पेपर पीपल? नहीं इतने मुश्किल है, बहुत आसान है। नहीं इतने गाना सुना दें। गाना सुना दूँ? किसको सुनाऊँ? सब सुनने वाले हैं, देखे तो सही कितना हुजूम है यहाँ पर। कौन सुनने वाला? नहीं अभी कोई नहीं सुनने वाला, सब सैड खड़े हैं मुझे देख के। इतनी सैड बातें की हैं शादी के इसलिए। चलो फिर कोई जो
जोक सुना दें ताकि लोग हंसने लग जाएं। हंसो यार, वैसे ही हंसो। देख ले जोक के बगैर हंस रहे। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? लिबर्टी में, लाहौर में। लिबर्टी में मैं बस वॉक ही कर रहा हूँ। बस वॉक के लिए आए थे। yeah. आसिम, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स कहीं, कभी गाना गाया आपने? नहीं, नॉट रियली। चलिए फिर आज गुनगुनाए। कौन सा गाना? कोई भी पाकिस्तान का गाना। मुझे पाकिस्तान के गाने नहीं आते ज़्यादा। आपसे एक फिर पहेली पूछ लेते हैं। खाना खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा, जवाब एक ही आता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? खाना खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है? खाना खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप उल्टा लिखते हो? उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो? या सीधा लिखते हो। जवाब एक ही आता है। खाने वाली क्या है? आप सोचे ना, आप किससे खाना खाते? चम्मच। कैसे? चम्मच को उल्टा लिखो, सीधा लिखो, फर्क है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नाइस। अच्छा, तो ट्विस्टी करवाती हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा। कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनका आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है स्पीड में, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, कोई पेपर पीपल, इसको 5। Purple paper people, purple paper people, purple paper people, purple paper people, purple paper people. आप ये बताओ कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा गेम्स कौन खेलता है और कौन सी किस्म की गेम्स खेली जाती हैं दोनों? I think दोनों खेलते हैं, लड़के ज़्यादा आई गेस एथलेटिक्स में होते हैं और लड़कियाँ भी लाइक वॉलीबॉल टीम्स, मैंने बहुत लाइक मेजॉरिटी लड़कियाँ देखी हैं। बास्केटबॉल फुटबॉल में काफ़ी हद तक लड़कों को देखा है, तो डिपेंड करता है कौन सी गेम की आप बात कर रहे हैं। आप घर में बैठ के कौन सी गेम ज़्यादा खेलते? मैं घर में बैठे कोई गेम नहीं खेलता। कोई गेम नहीं खेलता? नहीं, मैं बस टाइम पास करता हूं। टाइम पास कैसे करते? बस आई मीन बस फोन पर। फोन जी जी। अच्छा, फोन्स ने जो है गेम्स की तरफ रुझान बहुत कम कर दिया, ऐसा ही है? जैसे जो लड़के हैं वो मतलब फोन पे इतने जुड़े रहते हैं, या इवन के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे भी हैं, उन्हें बस फोन पे गेम्स खेलनी आती हैं, वैसे नहीं आती हैं। अच्छा, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरे जैसे लड़कों पे इस वक्त? आपके जैसे यानी कि यंगस्टर्स, आप यंग हैं ना? आई होप सो। आपके ख्याल में कितने साल का हूँ मैं? मुझे लगता है आप 27। 27 साल का लगता हूँ मैं? आपको 25 यार, मैं 22 साल का हूँ यार। 22 साल के हो? चले जी, अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चिट-चैट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनसे मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मजा आइए ना, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। झुके झुके बादलों के पीछे मिले थे हम तुम वहाँ जहाँ। लज़ानिया बनाने के लिए पहले आप बॉयल करेंगे कीमा, जैसे आपको पसंद है आप बनाएंगे, और फिर उसको लेयर्स बना के चीज़ के साथ, मैक्रोनी के साथ ले करके बेक कर देंगे 350 फ़ारेनहाइट पे। वो तुझको भूल गए हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, याद ना कर आग लगा भूल जा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हरूफ़ तहजी में कितने हरूफ होते हैं, देखते हैं कि लाहौरियों को कितना पता है इस बात का। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। शाहिद सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग करने के लिए आए थे आप? मुझे बताएं कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा गेम्स कौन खेलता है, आपको क्या लगता है? लड़कियाँ खेलती हैं। लड़कियाँ? लड़के नहीं खेलते? लड़के भी खेलते हैं। लड़कियाँ ज़्यादा खेलती हैं, तो लड़कियाँ कौन कौन सी गेम्स खेलती हैं, आपको क्या लगता है? ये फुटबॉल वगैरह, टेबल और ये बैडमिंटन इस टाइप की। आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? पहेली है ये एक। खाना खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा, जवाब एक ही आता है? खाना खाने वाली, खाने वाली मैडम नहीं याद, नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा? हाँ। क्यों नहीं याद आ रहा? ये मेरे गुजरा हुआ ध्यान से, पर याद नहीं आ रहा। सोचने की कोशिश। नहीं
याद नहीं आ रहा। चलें जी कोई बात नहीं, आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। पर्पल पेपर पीपल, इसको आपने 5 दफा बोलना है। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल क्या पेपर, पेपर मैंने कहा है। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ठीक है जी, आप बताएं आपके टैलेंट्स क्या हैं। गाना सुनाएंगे? नहीं, गाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? चले सुना देता हूँ। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, आ ओ झुके झुके बादलों के पीछे, मिले थे हम तुम वहाँ जहाँ। ओ जी बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मैविश। आपका नाम? मानु। क्या नाम? अनमता। अच्छा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप चाह के भी पूरी नहीं कर सकते, आपका बहुत दिल करेगा तो आप नहीं पूरी कर सकते, ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़, पता नहीं। कोई खाने वाली या वैसे इन जनरल? जनरल, लाइक आप अपने साथ वो चीज़ नहीं कर सकते, आप चाहो भी, आपके बहुत ख्वाहिश हो, कभी आपका दिल करे, लेकिन वो काम आप अपने साथ नहीं कर सकते। पता नहीं। आ, या, 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 या। सोचो। एंड वर्ल्ड हंगर। क्या मतलब? कि मसलन जो लोग भूखे से भूख को ख़त्म कर दो। नहीं, जो लोग भूखे हैं हाँ। तो उनको खाना खिलाना। खाना खिलाओ, खिला सकते हैं अगर चाहो, किसी हद तक ये हो सकता है। पता नहीं, कोई क्लू दे दें आप। आपसे आपसे लिंक्ड है ये चीज़, दूसरों से। आपने जिसने कहा ना कि हम दूसरों को खाना जो है वो पूरी दुनिया की भूख नहीं मिटा सकते, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, आपसे खुद से लिंक्ड है। पता नहीं, सीरियसली नहीं अंदाज़ा। आप मुझे बताएं आपके टैलेंट। टैलेंट्स, आई कैन ड्रॉ, आई कैन डांस और आई कैन राइट। कोई शेर शायरी फिर सुनाए। शायरी नहीं करनी आती, किताब लिखनी आती है, शायरी नहीं करनी आती। किताब लिखनी आती है, तो किस तरह की किताब लिखी आप? मैंने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के बारे में लिखी थी, इंडिपेंडेंस के बारे में स्टोरी। इंडिपेंडेंस के बारे में आप मुझे ये बताओ कि कोई रेसिपी शेयर करोगे? मुझे पास्ता बनाना आता है। चलो फिर शेयर करो। पहले वो पास्ता सॉस लजानिया बनाने के लिए पहले आप बॉयल करेंगे कीमा, जैसे आपको पसंद हो आप बनाएंगे, और फिर उसको लेयर्स बना के चीज़ के साथ मैक्रोनी के साथ ले करके बेक कर देंगे 350 फ़ारेनहाइट पे। बता दिए कि किस हीट पे आपने बॉयल किया, बेक करना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, इसको 5 दफ़ा बोलो। Purple paper people, purple paper people, purple paper people, purple paper people, purple paper people. Purple paper people, paper, paper, purple paper people, purple paper people, purple paper. Slow नहीं, tongue twister है तो आपने बहुत speed में करना है, ऐसे बोलना है। Purple paper paper, purple paper नहीं हुआ। आप poem सुनाओगे? ये कौन है आपके? अंकल। अच्छा, अंकल को जूती नहीं मिलती तो आप उनको हीरो कहते? नहीं, हमने कल ही इनका नाम रखा है। कल ही आपने इनका, तो माइंड नहीं किया अंकल ने? अंकल ने कहा नहीं कि मेरा नाम क्यों रख दिया? क्योंकि इन्हें अपना नाम खुद हीरो रखा हुआ था। खुद ही हीरो रखा हुआ था। ठीक है जी, ये गिफ्ट जो है ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मरियम। मरियम, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? कुछ नहीं, शॉपिंग करने आए थे। कुछ नहीं क्या? शॉपिंग शॉपिंग के लिए आए थे ना। आप मुझे ये बताओ मरियम, के ऐसी कौन सी मछली है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है? मछली की उम्र? कौन सी ऐसी मछली है? सभी होंगी। नहीं, सभी नहीं। आपको पता है किस कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं, किस किस किस्म की? नहीं, मछलियों के इतने अंदाजा नहीं है। मछलियों का नहीं है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन सी है।
या तो नेम्स में कुछ होगा। सोचें सोचें आ जाएगा। किसी मछली का नाम नहीं आता आपको? नहीं, किसी का नहीं आता, मछलियों का इतना अंदाजा ही नहीं है। डॉल्फिन का भी नहीं पता? उसका तो पता है। फिर इसके अलावा भी मछली और काफी तरीके। अच्छा छोड़े, कोई बात नहीं, नहीं आपको आ रहा। आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ पर होती हैं? सबसे ज्यादा बारिशें? इस्लामाबाद? नो, इट्स नॉट इस्लामाबाद। अच्छा, बारिश सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में ही होती हैं? इस्लामाबाद में नहीं होती, इस्लामाबाद के आसपास ये जगह है। या अल्लाह। या अल्लाह, किस मुसीबत में पड़ गई ये लड़की, इसको मैं किस मुसीबत में पड़ गई, इसको कुछ आ ही नहीं रहा। आप में टैलेंट्स क्या है? गाना आता? नहीं, गाना नहीं आता, शेर व शायरी आती है। शेर व शायरी अर्ज करें। अच्छा, वो तुझको भूल गए हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, वो तुझको भूल गए हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, याद न कर आग लगा भूल जा। बस सुनो, और नहीं आती। बस ये आती है, बहुत अच्छी थी। आप कोई ब्यूटी टिप शेयर करोगे? ब्यूटी टिप नहीं, ब्यूटी टिप नहीं आती। ब्यूटी टिप नहीं, कोई रेसिपी? रेसिपी अफगानी अंडे की आती है। पहले जो मतलब प्याज वगैरह होते हैं उनको काट लें छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद जो शिमला मिर्च वगैरह तो उनको भी छोटे छोटे बॉक्सेस में काट लें, टमाटर वगैरह जितने भी आपकी मतलब चिलीज़ वगैरह जितनी भी हैं रेड ग्रीन, उसको करके उसको आप पहले स्टीम कर लें, उसके बाद आप उसको फ्राई पैन में रख दें, उसके बाद आप उस पर अंडा डाल दें, उसको फिर उसके स्टीम कर दें, फिर वो उसके ऊपर वो काफ़ी सारा हो जाएगा, तो उसके अंदर से आप फिर काटेंगे तो अच्छा पता। अंडा है वो तैयार है, ऑमलेट, अफगानी ऑमलेट। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, इसको 5 दफ़ा बोलें। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल 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 पेपर पीपल, पर्पल पर्पल पेपर पेपर पर्पल पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मरियम, आपसे बात करके अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमने ये क्वेश्चन पूछा कि हरूफ तहजी में कितने हरूफ होते हैं? 37 हरूफ होते हैं हरूफ तहजी में। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ पर होती हैं? शायद ही आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर गौर किया होगा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें मरी में होती हैं। और ऐसी कौन सी मछली है जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है? वो मछली है व्हेल। और एक और क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो ये था कि, बल्कि एक पहेली थी, वो ये कुछ इस तरह से थी कि खाना खाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो? तो जवाब एक ही आता है, वो है चम्मच। यानी कि चम्मच को आप उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब एक ही आता है। तो ये सवालात के जवाब थे। इसके अलावा जिस टॉपिक पर हमने बात की वो ये था कि लड़के और लड़कियों में किस तरह की गेम्स ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो बहुत सी जो लड़कियां जिनसे हमने बात की उन्होंने यही कहा कि हम तो लूडो ही खेलते हैं। तो यानी कि इससे पता लगता है कि लाहौर की लड़कियां लूडो खेलना बहुत पसंद करती हैं। और लड़कों की जब बात की तो लड़के तो आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, वो फ़ुटबॉल है या क्रिकेट है। तो ये गेम्स थी जो कि आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा खेलते हैं। सवालात के जवाब भी आपको मैं बता चुकी हूँ और गेम्स का भी। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।